हाय फ्रेंड्स, ओके तो चलिए मेरे आज के नए वीडियो पे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी यूनिवर्स के बारे में। तो हम यूनिवर्स से कैसे बात कर सकते हैं, हम यूनिवर्स से कैसे मैसेजेस ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे पूछ सकते हैं, आज मैं आपको एक वंडरफुल टेक्निक बताने वाली हूँ। है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मुश्किल में हैं, आपको चॉइस करने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको डिसीजन लेने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यूनिवर्स से पूछेंगे, यूनिवर्स आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं, आपका डिसीजन सही है कि नहीं। तो यूनिवर्स हमें कैसे मैसेजेस देते हैं? सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि अगर हम यूनिवर्स के साइन चाहते हैं, यूनिवर्स से साइन चाहते हैं कि यूनिवर्स हमें साइन दे कि हम करेक्ट पाथ पे हैं कि नहीं, तो बहुत अपने ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को कि अपनी ईगो को साइड पे रखना पड़ेगा, अपने कॉन्शियस माइंड को साइड पे रखना पड़ेगा। दो तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने कॉन्शियस माइंड को और ईगो को आपको साइड में रखना पड़ेगा और उसके बाद यूनिवर्स से हमको आंसर लेना पड़ेगा, और जो आंसर्स यूनिवर्स हमें बताएंगे उससे होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि यार ये तो कोइंसिडेंस हो गया, ऐसा तो कभी भी हो सकता है, ऐसा किसी के पास भी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है ये यूनिवर्स का आंसर हो। लेकिन जो यूनिवर्स साइन देता है वो 100% बिल्कुल करेक्ट गाइडेंस होती है, क्योंकि वो गॉड की गाइडेंस होती है। यूनिवर्स किसने बनाया है? यूनिवर्स गॉड ने बनाया है। अगर आपको भगवान पे अटूट विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है, तब यूनिवर्स आपकी बात सुनते हैं, गॉड आपकी बात सुनते हैं, और गॉड हमेशा साइन देते हैं। तो कैसे आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई, अगर आप मान लीजिए कोई भी कंफ्यूजन में है, लोग जब अपने लाइफ का आंसर जानना चाहते हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं, वो कुंडली बनवाते हैं, पंडित के पास जाके पूजा करते हैं कि मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, ये चाहिए। ये सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल आंसर्स आर इनसाइड यू, सारे आंसर्स आपके पास हैं, यूनिवर्स आपके पास है, भगवान आपके पास है, तो आपको किसी और थर्ड पर्सन की हेल्प की क्यों जरूरत है? मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए कभी टैरो कार्ड रीड नहीं करती हूँ पर्सनली, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास गॉड का एक्सेस है, मेरे पास यूनिवर्सल एनर्जीज का एक्सेस है। मुझे अगर अपनी लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन लेना होता है तो मैं जस्ट यूनिवर्स आंख बंद करती हूँ, गॉड से डायलॉग करती हूँ, यूनिवर्स से डायलॉग करती हूँ, और यूनिवर्स मुझे एग्जैक्ट आंसर दे देते हैं कि ईशा तुमको ये करना है, ईशा तुमको वैसा करना है। तो ऐसा क्या करना है कि यूनिवर्स से डायरेक्ट हमारा कॉन्टैक्ट हो और हम जो भी चीज कंफ्यूजन में है, हम जैसा भी आंसर्स चाहते हैं, यूनिवर्स हमको आंसर्स देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई पूजा नहीं करनी है, कोई प्रेयर नहीं करनी है, कोई लंबे चौड़े श्लोक नहीं बोलने हैं, ना कोई चैंटिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। आप जस्ट बैठिए, अपने थोड़ा आईज क्लोज करिए, ब्रीद इन और ब्रीद आउट करिए, अपने क्वेश्चन पे फोकस करिए और भगवान को याद करिए। जस्ट बोलिए, गॉड और यूनिवर्स, आई हैव अ टोटल फेथ इन यू, मुझे पता है कि आप ही मेरे सहाय हैं, आप जो कहेंगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, और आप हमेशा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए काम करते हैं, मेरे लिए जो भी अच्छा है आप मुझे वही देते हैं, मैं इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए। आपको बस इतना बोलना है और यूनिवर्स और गॉड आपको डेफिनेटली आंसर देंगे। और आपको एक टाइम फ्रेम बना लेना है कि मुझे विद इन 72 आवर्स मुझे कोई ऐसा साइन दे दीजिए, कोई ऐसा हिंट दे दीजिए जिससे मेरे आंसर्स का सोल्यूशन, आंसर्स मुझे मिल जाए, मुझे मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। मैं पर्सनली क्या करती हूँ, अभी ये बहुत ही रिसेंट हुआ था मेरे साथ कि मुझे अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेना था, मेजर डिसीजन, और मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, मैं इस बात पे चलूँ कि ना चलूँ। तो जस्ट मैंने यही प्रोसेस किया, मैंने गॉड को याद किया, यूनिवर्स को याद किया, और जस्ट मैंने ये बोला कि यूनिवर्स अगर मैं बिल्कुल करेक्ट पाथ पर हूँ तो मुझे कहीं से भी आप पीकॉक दिखा दीजिए। पीकॉक क्या होता है? मोर। कहीं भी मोर बना हुआ मुझे दिख जाना चाहिए विद इन 72 आवर्स। अगर मेरा डिसीजन मेरी लाइफ को लेके करेक्ट है
तुम 72 आवर्स में मुझे पीकॉक दिखा दीजिए, चाहे फेसबुक पे फोटो दिखा दीजिए, चाहे इंस्टाग्राम पे फोटो दिखा दीजिए, चाहे न्यूज़पेपर पे दिखा दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए, मुझे पीकॉक दिखाना चाहिए विद इन 72 आवर्स। और अगर पीकॉक नहीं दिखता 72 आवर्स में, तो फिर मैं आपकी इच्छा को एक्सेप्ट करूंगी, मैं समझ जाऊंगी कि मैं जो डिसीजन ले रही हूं मैं वो बहुत गलत डिसीजन ले रही हूं। और अगर मुझे पीकॉक दिख जाता है तो मैं समझूंगी कि मैं बिल्कुल करेक्ट पाथ पे हूं, इसमें आपकी मर्जी इन्वॉल्व है। फिर ये चीज बोल के मैंने लेट गो कर दिया, मैं लिंगर ऑन नहीं रही कि हाय क्या करूं, मुझे भी पीकॉक नहीं दिखा, अब मैं क्या करूं, भगवान ने मुझे ये साइन नहीं दिया, यूनिवर्स ने मुझे वो साइन नहीं दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट अपना क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम यूनिवर्स को बताई, मैंने यूनिवर्स को साइन, यूनिवर्स से साइन मांगा, गॉड से साइन मांगा, और अपने काम में बिजी हो गई। फिर विद इन 24 आवर्स मैं जस्ट ऐसे ही इंस्टाग्राम चेक कर रही थी अपनी, और मुझे पीकॉक दिख गया। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि यूनिवर्स एंड भगवान मुझे कह रहे हैं कि ईशा, तुम जिस रास्ते पे चल रही हो, तुमने जो डिसीजन लिया है, मेरी उसमें मर्जी है, ये मेरी वजह से हो रहा है, तो तुम बिल्कुल इस रास्ते पे चल सकती हो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये मैं हमेशा अपने लिए करती हूँ। एक बारी और मैंने ऐसे यूनिवर्स से साइन मांगा था कि यूनिवर्स, अगर मैं जो सोच रही हूँ, अगर वो सही सोच रही हूँ, तो प्लीज मुझे कहीं भी सनफ्लावर की फोटो दिख जाए विद इन 72 आवर्स। और बस ये बोल के मैंने चीजों को लेट गो कर दिया, एंड विद इन 48 आवर्स मुझे सनफ्लावर फेसबुक पर दिख गया। तो जब ऐसी चीजें आपको दिखें, आपके अकॉर्डिंग जो आपने यूनिवर्स से मांगा है वो चीज अगर आपको दिखे, तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड और अपनी ईगो को साइड में रखना है और उस चीज को एक्सेप्ट करना है। बहुत लोग है कहेंगे कि जस्ट इट इज जस्ट कोइंसिडेंस, ऐसे होता है क्या, अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन आप यूनिवर्स से साइन मांग के कैसे कर सकते हो? अगर मान लो सनफ्लावर दिख गया तो उसका क्या मतलब है, 10 लोगों को भी सनफ्लावर दिख सकता है, रोज सनफ्लावर दिख सकता है? पर ऐसा नहीं है, हर बारी तो सनफ्लावर नहीं दिखता ना, हर बारी तो पीकॉक नहीं दिखता ना। पर्टिकुलर उस टाइम पे पीकॉक क्यों दिखा, सनफ्लावर क्यों दिखा? क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन देते हैं। तो आप इसी तरह यूनिवर्स से पे एकदम बिलीव करके, गॉड पे एकदम बिलीव करके अपने क्वेश्चंस के आंसर मांग सकते हैं। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। और ऐसा होता है क्योंकि जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में फैली हुई है, यूनिवर्स जो है वो एनर्जी से ही बना है, गॉड ने यूनिवर्स को बनाया है, गॉड ने अपनी एनर्जी लगाई है यूनिवर्स में, और गॉड ने हम सबको बनाया है, तो हमारी एनर्जी गॉड से कनेक्टेड है, गॉड की एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्टेड है, और यूनिवर्स की एनर्जी हमसे कनेक्टेड है। तो हम जैसी भी वाइब्स यूनिवर्स में भेजेंगे, हमें वैसा ही आंसर यूनिवर्स से मिलेगा। आपकी जो भी डीप रूटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये आप करके देखिए, ये टेक्टिक यूज करके देखिए, ये टेक्निक यूज करके देखिए, आपको 100% फायदा होगा। और अगर आपको इसका फायदा हो, अगर आपको यूनिवर्स आंसर करें, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता सकते हैं। मैं ईशा राज, रेकी ग्रैंड मास्टर, कॉस्मिक हीलर, थैंक यू।